हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सम्राज्ञी। लास्ट डे मैंने मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस की थी। ओके, आई होप वो आप सब लोगों ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं वो भी दे दूंगी। ओके, तो आज मैं हॉफमैन कुंजे की सेक्शन 6.4 पे मिनिमल पॉलिनोमियल की जो सॉल्यूशंस है उसके बारे में डिस्कस करूंगी, और उसका जो असाइनमेंट लिंक मिलेगा वो असाइनमेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा इसका। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते से करना हो। ओके, आज की मिनिमल पॉलिनोमियल से स्टार्ट होती है, और इस क्वेश्चंस को करने से पहले मिनिमल पॉलिनोमियल की जो बेसिक है ना, वो बेसिक बहुत क्लियर होना जरूरी है, इसलिए मैंने वो वीडियोस बनाई थी। आप लोग उस वीडियोस को पहले देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको वो वीडियोस मिल जाएगी। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। सेक्शन 6.3.1 Let V be a finite dimensional vector space. What is the minimal polynomial for the identity operator capital V? T of V equals to V for all V belongs to capital V. T such that V to V, this is a linear operator. Okay, and this is linear operator, this is identity. Matlab T of V equals to V for all V belongs to capital V. Okay. तो आपको देखना होगा इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ओके, तो पहले चलिए देखते हैं कि इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इस आइडेंटिटी ऑपरेटर का। ओके, क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर मैट्रिक्स से ही आपको पता चलेगा ना मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो टी ऑफ बीटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, this is a 3x3 matrix. This 3x3 matrix का आपको characteristic polynomial मैंने उस videos पे बताई थी, x minus 1 whole cube equals to 0. ओके, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा? मिनिमल पॉलिनोमियल होगा x माइनस वन। ओके, क्योंकि वन इसका आइगन वैल्यूज है और एनिलेट होता है a माइनस i को, वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले मिनिमल पॉलिनोमियल लिख लेती हूँ। अब देखिए, मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ओके, तो मिनिमल पॉलिनोमियल का ऑप्शंस का पास पॉसिबिलिटीज क्या है? आइदर एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। एज मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, सो मिनिमल पॉलिनोमियल के पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगी? मिनिमल पॉलिनोमियल विल बी आइदर एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन होल स्क्वायर और एक्स माइनस वन होल क्यूब। ओके, तो देखिए, अब स्मॉलेस्ट डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल दैट एनिलेट्स ए, तो चलिए स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं, एक्स माइनस वन। तो देखिए, टी ऑफ बीटा, दिस इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स टी ऑफ बीटा। एक्चुअली मैं टी ऑफ बीटा को यहाँ पर कुछ और डिनोट करने वाली हूँ। ओके, टी ऑफ बीटा मतलब मुझे तो दिखाना पड़ेगा ना एनिलेटिंग। तो देखिए, टी ऑफ बीटा, दिस इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस विल एनिलेट्स द मिनिमल पॉलिनोमियल। ओके, T of beta equals to capital A. So capital A minus I equals to minimal polynomial, matlab 0. Capital A minus I equals to 0. So capital A minus I equals to 0. To dekhiye ye kya hoga? This will be the zero matrix. So capital A minus I, matlab this polynomial annihilates the matrix capital A. So yes, this is the minimal polynomial. The smallest degree monic polynomial that annihilates the matrix A. This is called minimal polynomial. As A minus I equals to 0, so this is a minimal polynomial. Okay. Now, characteristic polynomial x minus 1 whole cube, minimal polynomial x minus 1. Now, came to the second question.
what is the second question? The second question is, let A, B, C be elements over A field, capital A, and A is the 3x3 matrix. तो हमें characteristic और minimal polynomial दिखाना होगा. Capital A equals to capital A equals to row wise 0 0 C, second row 1 0 B, and third row, second row 1 0 B 0 1 A. Okay, the characteristic polynomial, this is a 3x3 matrix. The characteristic polynomial for capital A is x cube. Characteristic polynomial, okay, x cube minus ax square minus bx minus c. Now, the minimal polynomial. What will be the minimal polynomial? Minimal polynomial will be, okay, that will divide characteristic polynomial. So, हमें यही निकालना होगा. मिनिमल पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्रीज है 3. मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्रीज या तो 1 होगी या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा. एज मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. ओके, मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. सो डिग्री आइदर विल बी 1, आइदर विल बी 2, आइदर विल बी 3. ओके, एज मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का डिग्री है 3. ओके, सो there will be 3 cases. Case 1, minimal polynomial degree 1. Case 2, minimal polynomial ka degree 2. Case 3, minimal polynomial ka degree 3. To aap log bataiye, agar minimal polynomial ka degree 1 hoga, to minimal polynomial kya hoga? Matlab 3 cases hai na? So, first cases पे मैं assume कर लेती हूँ that minimal polynomial का degree 1 है. Okay, तो चलिए देखते हैं कि minimal polynomial का degree क्या होता है. Case 1, degree of minimal polynomial equals to 1. Degree 1 होगा, मतलब minimal polynomial क्या होगा? X minus alpha. Let मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा. अब देखिए, मिनिमल पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है दैट एनिलेट्स द मैट्रिक्स कैपिटल ए. मिनिमल पॉलिनोमियल के डेफिनेशन पे मैंने बताई थी, दैट इम्प्लाई मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा. दैट इम्प्लाई कैपिटल ए माइनस अल्फा इक्वल्स टू जीरो. कैपिटल ए माइनस अल्फा इक्वल्स टू जीरो. ओके, मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स माइनस अल्फा एंड कैपिटल ए विल सेटिस्फाई दिस. ओके ओके, तो फिर दैट इम्प्लाई कैपिटल ए माइनस अल्फा इक्वल्स टू जीरो. ओके, अल्फा आई इक्वल्स टू जीरो, दैट इम्प्लाई कैपिटल ए इक्वल्स टू अल्फा आई. दैट मीन्स कैपिटल ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स. ओके, कैपिटल ए इक्वल्स टू अल्फा आई, बट वी हैव हियर सीन दैट कैपिटल ए इज नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स. ओके, द गिवन मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर, सो कैपिटल ए इक्वल्स टू अल्फा आई इज नॉट पॉसिबल टू बी ए मिनिमल पॉलिनोमियल. इट इज नॉट पॉसिबल टू बी ए मिनिमल पॉलिनोमियल. नाउ केस टू. ओके, मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री आप 1 तो हुआ नहीं तो 2 होगा. तो चलिए 2 करके देखते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है. ओके, लेट मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के वन एक्स प्लस के टू, वेयर के वन के टू बिलोंग्स टू कैपिटल ए. अब देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के वन एक्स प्लस के टू का वैल्यू अगर जीरो, मतलब ए स्क्वायर प्लस के वन ए
प्लस के टू का वैल्यू अगर जीरो होगा एस मिनिमल पॉलिनोमियल एनिलेट्स द मैट्रिक्स ए. सो ए स्क्वायर प्लस के वन प्लस के टू इक्वल्स टू जीरो होगा तभी ये मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो फिर देखते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल होता है या नहीं. ओके तो इसके लिए हम देखेंगे कि वी विल सी दैट ए स्क्वायर प्लस के वन ए प्लस के टू नॉट इक्वल्स टू जीरो. के वन के टू बिलोंग्स टू कैपिटल एफ. ओके सो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आता है कि ए स्क्वायर प्लस के वन ए प्लस के टू नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये आप लोगों को करना पड़ेगा. ओके दिस इज़ अ वेरी इजी कैलकुलेशन. आप लोग बस देखिए कैपिटल ए मैट्रिक्स का ए स्क्वायर प्लस के वन ए प्लस के टू इसका वैल्यूज पुट कर दीजिए एंड पुट करके देख लेना ए स्क्वायर प्लस के वन ए प्लस के टू नो विल बी नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड सो दिस इज रिजेक्टेड. आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेना. सो दिस केस इज रिजेक्टेड. नाउ केस थ्री. अब क्या ऑप्शंस बचा हमारे पास? मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री वन टू तो हुआ नहीं, तो लास्ट ऑप्शन यही था दैट डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल्स टू थ्री. ओके सो डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल्स टू थ्री. डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल्स टू थ्री एंड मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल. मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री थ्री एंड जो इस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करे. तो क्या ऑप्शन होता है हमारे पास? दिस मिनिमल पॉलिनोमियल विल बी सेम एज दिस पॉलिनोमियल, राइट? क्योंकि एक डिग्री थ्री का पॉलिनोमियल जो इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं. सो मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी. ओके तो देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री थ्री था एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करने वाला था. सो मिनिमल पॉलिनोमियल हमें निकल गया एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी. सो यही तो मांगा था. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट जो थ्री और फोर की क्वेश्चंस है, मतलब थ्री नंबर का क्वेश्चंस तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने के लिए. ओके वो तो आप लोग कर लेंगे. और जो फोर का क्वेश्चंस है दिस इज मतलब डायगोनलाइजेबिलिटी के ऊपर. मैंने डायगोनलाइजेबिलिटी के ऊपर एक वीडियोस दी थी, उस वीडियोस को देख लेना तो डायगोनल मैट्रिक्स को हो जाएगा. फाइव नंबर क्वेश्चंस थोड़ा डिफिकल्ट है, तो चलिए फाइव नंबर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. डायमेंशन ऑफ बी इक्वल्स टू एन. बी बी एन एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. टी बी टू बी लीनियर ऑपरेटर. देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के सो दैट टी टू द पावर के इक्वल्स टू जीरो. देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर के सो दैट टी टू द पावर के इक्वल्स टू जीरो. पॉजिटिव इंटीजर के we have to show that t to the power n equals to 0. okay ab dekhiye t to the power k equals to 0. okay that means t to the power k equals to 0 this is the annihilating polynomial. okay aur hame pata hai minimal polynomial annihilating polynomial ko divide karte hain. dimension of b given hai n. to kya kya diya hua hai? t b to b linear operator. t to the power k equals to 0. okay and t to the power k equals to 0. so this is the annihilating polynomial, right? okay and we know that minimal polynomial divides annihilating polynomial. to minimal polynomial ki kya hogi? minimal polynomial koi aisa polynomial hoga na jo this ko divide karega. so the minimal polynomial will be x to the power r 1 less than equals to r sorry 1 hoga ha less than equals to k. ओके मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स टू द पावर आर होगा. आर का वैल्यू वन लेस देन इक्वल्स टू के.
वन लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन इक्वल्स टू के, ऑब्वियसली के या के से कम ही होगा ना, क्योंकि डिवाइड कर रहा है, ज़्यादा तो हो नहीं सकता। मतलब देखिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ टी टू दी पावर के इक्वल्स टू जीरो, सो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या है, एक्स टू दी पावर के, राइट, दिस एनिलेट्स द लिनियर ऑपरेटर टी, सो मिनिमल पॉलिनोमियल विल बी एक्स टू दी पावर आर, एक्स टू दी पावर आर वन लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन इक्वल्स टू के। नाउ व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट क्या है, जीरो है, ओके, एक्स टू दी पावर आर इक्वल्स टू जीरो, मिनिमल इक्वेशन, इसका रूट जीरो है। अब हमें एक्स टू दी पावर आर मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल की रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की रूट सेम होता है, ओके, तो उस रिजल्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, सेकेंड रिजल्ट, मिनिमल पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हैव सेम रूट्स। तो मिनिमल पॉलिनोमियल की रूट्स अगर सिर्फ जीरो होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की रूट्स भी सिर्फ जीरो ही होगा, राइट, एक्स टू दी पावर आर है मिनिमल पॉलिनोमियल, और डायमेंशन ऑफ भी इक्वल्स टू एन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा दैट विल बी एन, क्योंकि मैट्रिक्स जो होगा वो तो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ही होगा ना। तो आप लोग बताइए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो सकती है, क्या लगता है आप लोगों को, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका रूट सिर्फ जीरो होगा, डिग्री एन होगा, बताइए क्या होगा, एक्स टू दी पावर आर इक्वल्स टू जीरो, सो रूट्स आर जीरो, दिस इज प्रिटी क्लियर, सो व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, दे हैव सेम रूट्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का भी रूट सेम होगा, मतलब जीरो ही होगा, तो डायमेंशन ऑफ भी इक्वल्स टू एन, टी भी टू भी ए लिनियर ऑपरेटर, सो कैरेक्टरिस्टिक का डिग्री भी एन ही हो रहा है, सो यस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल विल बी, पहले डिग्री लिख लीजिए वो, डिग्री इक्वल्स टू एन, सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल विल बी एक्स टू द पावर एन, ओके, नाउ वी नो दैट बाय केले हैमिल्टन थ्योरम एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, माने एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सो टी टू द पावर एन इक्वल्स टू जीरो, हियर द लिनियर ऑपरेटर, एवरी लिनियर ऑपरेटर सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट मीन्स टी टू द पावर एन इक्वल्स टू जीरो, मिनिमल पॉलिनोमियल इज सिक्स टू द पावर एन, मिनिमल पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हैव सेम रूट्स एंड टी टू द पावर एन इक्वल्स टू जीरो, मतलब इन दो रिजल्ट्स को यूज़ करके मैंने ये वाला कर दिया, ओके, तो यही तो चाहा मांगा था उन लोगों ने, दैट टी टू द पावर एन इक्वल्स टू जीरो प्रूफ करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड ए 3x3 मैट्रिक्स फॉर व्हिच द मिनिमल पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर, ये मैं नहीं कराऊंगी, बस थोड़ा सा आप लोगों को हिंट्स दे दूंगी, ओके, आप खुद कर लेना, दिस इज ए 3x3 मैट्रिक्स, मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अब देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, राइट, और इस मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट जीरो है, एंड वी नो मिनिमल पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हैव सेम रूट्स, सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का भी रूट्स जीरो ही होगा, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका आइगन वैल्यू जीरो है एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो ऐसे मैट्रिक्स आप लोग ढूंढ लेना, ओके, और मुझे लगता है ये आप लोग कर लेंगे, और अगर ऐसा मैट्रिक्स आप लोगों को नहीं मिला तो कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना, मैं नेक्स्ट डे पे कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ, लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, पी बी द स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर आर विच हैव डिग्री एट मोस्ट एन, डी बी द डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, डी भी टू भी डिफरेंशिएशन ऑपरेटर ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन, विच इज द मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर कैपिटल डी, ओके, भी देखिए भी इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन, एट मोस्ट मीन्स नॉट मोर देन एन,
इनसे ज़्यादा नहीं है. ओके, नाउ डी ऑफ वन इक्वल्स टू, मतलब वन एक्स एक्स स्क्वायर इन पॉलिनोमियल्स को डी कहाँ पर ले जाता है वही हमें देखना पड़ेगा. फिर हम डी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एंड आई एम एज्यूमिंग कि आप सबको पता है कैसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं. डी ऑफ वन इक्वल्स टू ज़ीरो, डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन, डी ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन. ओके, नाउ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ज़ीरो 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 ज़ीरो, नेक्स्ट ओके ज़ीरो वन, डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन, वन ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, डी ऑफ एक्स टू द पावर एन, ओके डी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू एक्स, ज़ीरो टू ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो थ्री ज़ीरो. एन ज़ीरो 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 ज़ीरो, एन प्लस वन क्रॉस एन प्लस वन. ध्यान से देखिए, दिस इज नॉट एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, एन प्लस वन क्रॉस एन प्लस वन मैट्रिक्स. यहाँ पर गलती करते हैं स्टूडेंट्स, कभी कभी इनको एन प्लस वन की जगह पर एन क्रॉस एन लिख देते हैं तो गलतियाँ हो जाती है. अब आप लोग मुझे देखकर बताइए, ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है इसका क्या स्पेशलिटी है, मतलब क्या ये नीलपोटेंट है, या फिर मतलब कुछ तो स्पेशलिटी होगा. देखिए एक सिमेट्री तो है, मतलब इसका अपर ट्रायंगुलर पे आपको एलिमेंट्स मिलेगा लोअर पे नहीं, और इसका डायगोनल एलिमेंट्स जो है सो ज़ीरो है, राइट. सो इसका आइगन वैल्यू सिर्फ ही ज़ीरो होगा, तो दिस इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स. ओके, मतलब आइगन वैल्यू ज़ीरो है और नीलपोटेंट, ये तो देख कर समझ आ रहा है, राइट. आइगन वैल्यू ज़ीरो, ओके. लेकिन और एक तरीके से भी आपको देखना पड़ेगा. सुपर डायगोनल पे देखिए वन है, वन का पोजीशन क्या है, ए वन टू, टू का ए टू थ्री, थ्री का ए थ्री फोर, ओके ऐसे चलते रहेगा. तो मैं यहाँ से भी प्रूफ कर सकती हूँ. देखिए कैपिटल ए इक्वल्स टू ज़ीरो एक्सेप्ट व्हेन जे इक्वल्स टू आई प्लस वन, मतलब अगर j इक्वल्स टू i प्लस वन होगा तो ही a इक्वल्स टू ज़ीरो होगा. ओके, j इक्वल्स टू i प्लस वन को छोड़कर बाकी प्लेसेस पे, सॉरी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो एक्सेप्ट व्हेन j इक्वल्स टू i प्लस टू. यहाँ पर देखिए a वन टू पोजीशन पे नॉन जीरो है, तो मैंने यही लिखा है कि a इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब इन पॉइंट्स को छोड़कर बाकी सब a का वैल्यू ज़ीरो है. ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो क्या होगा, जे इक्वल्स टू आई प्लस टू. आप लोग देख सकते हो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना, एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो एक्सेप्ट व्हेन जे इक्वल्स टू आई प्लस वन. ए टू द पावर एन इक्वल्स टू, सॉरी ए टू द पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू जीरो एक्सेप्ट व्हेन जे इक्वल्स टू आई प्लस एन प्लस वन. व्हाट डज दिस इम्प्लाई, दिस इज केम फ्रॉम इंडक्शन, राइट. नाउ इससे हम क्या बोल सकते हैं, दैट इम्प्लाई ए टू द पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो. बट मतलब दिस मैट्रिक्स को देख कर आप लोग समझ सकते हो कि ए टू द पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, बट ए टू द पावर एन नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. ओके, ए टू द पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, बट ए टू द पावर एन नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ए टू द पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो एक्सेप्ट व्हेन जे इक्वल्स टू आई प्लस एन प्लस वन. इसको ध्यान से देखिए और इससे बताइए, इसको देखकर समझने की कोशिश कीजिए, ए टू द पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो कैसे आ रहा है. थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ पर, ध्यान से देखिए इस इक्वेशंस को.
actually a to the power n plus 1 equals to 0 j equals to I plus a plus n plus 1. अब n की I की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए. दिस इज n plus 1 क्रॉस n plus 1 मैट्रिक्स. सो I equals to 1 पुट करेंगे तो j equals to n plus 2 हो जाएगा. बट यहाँ पर तो हर एक कोफिशियंट n plus 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोज भी n plus 1 है, कॉलम्स भी n plus 1 है. सो दैट मीन्स ए टू द पावर n plus 1 का हर एक कोफिशियंट 0 होगा, राइट? दैट इम्प्लाई a to the power n plus 1 equals to 0, but a to the power n not equals to 0. That imply a to the power n plus 1 equals to 0. यहाँ पर लिखती हूँ मैं, a to the power k equals to 0, but a to the power k minus r not equals to 0. वेयर के इक्वल्स टू एन प्लस वन, मतलब एन प्लस वन से कम, सॉरी यहाँ पर मैंने वन लिखा है, आर होगा कोई भी इंटीजर, एन प्लस वन से कम किसी भी पॉइंट पे ए का पावर वैल्यू जीरो नहीं होगा. एज इट इज़ ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स के, सो के इज़ द मिनिमम, मतलब के इक्वल्स टू एन प्लस वन, सो दिस इज द मिनिमम. नाउ देखिए, एक्स टू द पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ओके? मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो यही होगा ना, x टू द पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एज दिस इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स. क्लियरली मिनिमल पॉलिनोमियल विल बी x टू द पावर n प्लस 1, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल अगर इससे कम होगा, सपोज x टू द पावर n, तो दिस दैट विल एनिहिलेट द मैट्रिक्स a, दैट इंप्लाई a टू द पावर n, बट वो तो हो नहीं रहा है. सो मिनिमल पॉलिनोमियल विल बी एक्स टू द पावर एन प्लस वन, ओके? मिनिमल पॉलिनोमियल विल बी एक्स टू द पावर एन प्लस वन, हेंस दिस इज